दोस्तों गूगल फोटोज सबके फोन में होता है और हर दिन दोस्तों आप लोग अपने फोन में गूगल फोटोज को इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गूगल फोटोज के अंदर कई ऐसे हिडन सेटिंग, कई ऐसे हिडन फीचर है जिसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने फोन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सही सुना गाइस आपने, अगर आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो गूगल फोटोज से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, फोन के हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर फोन का स्टोरेज बार बार जल्दी फुल हो जाता है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये जो गूगल फोटोज है इसके अंदर कई ऐसी खुफिया सेटिंग्स है, कई ऐसी खुफिया फीचर्स है जो दोस्तों आपके फोन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको खुद गूगल फोटोज की सभी हिडन सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको गूगल फोटोज के सभी इंपॉर्टेंट और हिडन सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं जिससे आप अपने फोन की बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले गूगल फोटोज को इस प्रकार से आपको ऑन कर लेना है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा फोटोज सेटिंग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे हिडन सेटिंग आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। अब जो लोग दोस्तों गूगल फोटोज को इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली बैकअप को ऑन करके रखते हैं ताकि अगर गलती से फोटोज वीडियोस डिलीट हो जाए तो वापस से उनको मिल सके। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो आपके फोन का इंटरनेट, बैटरी, स्टोरेज बहुत ही जल्दी बोल सकते हो फुल हो जाता है, सच बता रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा। यहां पर दोस्तों आपको खुद सेटिंग को चेंज करना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैकअप को बंद कर दो, इसे बंद नहीं करना है, बल्कि यहां पर खुद सेटिंग को चेंज करना है ताकि दोस्तों आपका इंटरनेट भी कम खर्च हो, बैटरी भी कम खर्च हो और स्टोरेज भी ज्यादा फुल ना हो। तो उसके लिए आपको करना है नीचे आएंगे ना तो सबसे पहली सेटिंग दी गई है बैकअप क्वालिटी, आप यहां पर देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे यहां पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है और ये होगा सेट दोस्तों ओरिजिनल क्वालिटी पर, यानी कि अगर आपने 15 MB की कोई फोटो क्लिक करी तो 15 MB की फोटो डायरेक्ट यहां पर अपलोड होगा। तो आप खुद सोचिए 15 MB आपका इंटरनेट भी गया, 15 MB अपलोड करने में बैटरी कितना खर्च होगा, स्टोरेज कितना फुल होगा, है ना, ये सब चीजों को दोस्तों आपको फिक्स आउट करना है। तो इसे आपको स्टोरेज सेवर के ऊपर सेट करना है, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहां पर ये सेव हो जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों स्टोरेज भी सेव होगा, बैटरी भी सेव होगा और आपके फोन का इंटरनेट भी कम खर्च होगा। तो एक सेटिंग हमने यहां पर किया लेकिन फायदे होने वाले हैं तीन, ठीक है। उसके बाद आपको यहां से कर देना है बैक, बैक करेंगे तो नीचे आएंगे, यहां पर दोस्तों मोबाइल डाटा यूजेज दिया हुआ है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कई बार दोस्तों होता है हमारे फोन का इंटरनेट पूरा खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा इंटरनेट गया कहां पर, वो दोस्तों यहीं पर यूज हो जाता है। जैसा कि आप देखेंगे ये अनलिमिटेड के ऊपर सेट है, तो इसे यहां से हटा के दोस्तों आपको 30 MB पर सेट कर देना है ताकि दोस्तों डेली ये 30 MB से ज्यादा आपके फोन का इंटरनेट यूज ना कर पाए, समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको यहां पर चेंज करना है। ये दूसरी सेटिंग है जो आप यहां पर चेंज करेंगे तो फोन का जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज्यादा सेव होने वाला है। उसके बाद आपको यहां से कर देना है बैक। तो यहां पर दोस्तों हमने बैकअप के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेटिंग था उसे पूरा कर लिया है। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जो कि दिया गया है स्टोरेज के लिए। आपको पता है गूगल फोटोज के अंदर एक ऐसा सेटिंग है जिससे आप अपने फोन का स्टोरेज भी फ्री कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहां पर दिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं फ्री अप डिवाइस स्टोरेज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मुझे तो 275 MB दिखा रहा है, आपके फोन में जितना ज्यादा फोटोज होंगी उतना ज्यादा यहां पर आपको स्टोरेज मिलने वाला है, तो आपको फ्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों बिना कुछ डिलीट किए, मतलब कि बोल सकते हो ना फालतू की जो चीजें हैं उसे डिलीट करके आप आसानी से अपने फोन का जो स्टोरेज है उसे फ्री कर सकते हैं, एक प्रकार से काफी अच्छा बोल सकते हो ना स्टोरेज आपको यहां पर मिल जाने वाला है। अब यहां पर बस आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड फाइनली दोस्तों आपके फोन के अंदर दोस्तों कुछ स्टोरेज जो है फ्री हो गया है। आप देख सकते हैं मेरी फोटोज वीडियो सब कुछ वैसे के वैसे ही है, लेकिन दोस्तों हमारे फोन के अंदर कुछ जो स्टोरेज था वो फ्री हो चुका है। अब यहां पर वापस से हम आ जाते हैं फोटोज सेटिंग के अंदर। अब यहां पर आएंगे दोस्तों तो जो तीसरे नंबर की सेटिंग है वो है हमारे फोन की बैटरी के लिए। अगर आपके फोन की बैटरी ज्यादा खत्म हो जाती है तो आपको ये सेटिंग अपने गूगल फोटोज के अंदर जरूर करना चाहिए, वो दिया गया है दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर। आपको पता है गूगल फोटोज के अंदर तो आपकी फोटोज वीडियोज रहती है, तो ऐसे में दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन का कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहां पर ये ऑन रहेगा ना तो ये बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, बार बार इंटरनेट को कंज्यूम करता रहेगा, तो दो दो चीजें आपका फालतू में खर्च होने वाला है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहां पर जितने भी ये सेटिंग ऑन है ना इन सबको दोस्तों बिना सोच
सोचे समझे आपको बंद कर देना है। लाइक यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, जैसे आप इस सेटिंग को बंद कर देंगे इंटरनेट बहुत ज़्यादा से होगा, प्लस बैटरी तो बचेगा ही बचेगा। जितनी भी सेटिंग बताऊंगा सभी सेटिंग से दोस्तों आपके फ़ोन का बैटरी बहुत ही ज़्यादा बचने वाला है, और आपका फ़ोन अगर हैंग करने लग गया है तो भी दोस्तों फिक्स आउट हो जाएगा और फास्ट चलने लगेगा। अब यहाँ से वापस से आपको बैक कर देना है। तीसरे नंबर की सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन का सेटिंग दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब भी दोस्तों हम फोटोज क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा लोकेशन कैप्चर हो जाता है, और उससे दोस्तों हमारा नुकसान ये होता है कि फालतू में हमारे फोन का डाटा यूज होता है। तो उसे दोस्तों आपको रोकने के लिए यहाँ पर जो लोकेशन सोर्स है इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये लोकेशन जो है बंद कर देना है। बंद कर देंगे जब भी आप फोटोज वीडियोज बनाएंगे तो उसका लोकेशन कैप्चर नहीं होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको यहां पर बंद कर देना है, जिससे दोस्तों आपके फोन पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ज्यादा लोड नहीं आएगा और काफी फास्ट आपका फोन चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से नीचे आना है। यहां पर दोस्तों एक सेटिंग देखने को मिल जाता है जिसका नाम है पार्टनर शेयरिंग का, ठीक है। अब ये सेटिंग बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों। कई बार हमारे फोन में कोई अपना ईमेल आईडी डाल लेता है और हमारे फोन की फोटोज वीडियोज अपने फोन में देखता रहता है, तो उसे रोकने के लिए दोस्तों आपको यहां पर आना है और देखना है कोई पार्टनर शेयरिंग में ऐड तो नहीं है। यहां पर दोस्तों अगर किसी का ईमेल आईडी दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर आपने क्लिक किया, यहां पर किसी और का ईमेल आईडी दिख रहा है, तो मतलब कि आपका जो फोटोज वीडियोस है वो बंदा देख रहा है, तो उससे आपको यहां पर तुरंत रोक देना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके डिवाइस में बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका फोन हैंग करने लगता है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, चार्जिंग के समय फोन गर्म हो जाता है, इंटरनेट बहुत ज्यादा खत्म होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको यहां से बंद करके रखना है। अगर आप यहां पर क्लिक कर रहे हैं जैसे कि यहां पर और ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो समझ लीजिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर किसी का ईमेल आईडी शो हो रहा है तो उसे तुरंत यहां से आपको रिमूव कर देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसे आपको हर हफ्ते चेक करना है। अगर आप बार बार किसी को अपना फोन देते हैं तो यह जरूर चेक करना चाहिए, यहां पर किसी और का ईमेल आईडी तो ऐड नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये जिसे आपको यहां से चेक कर लेना है। तो ये सभी कुछ सेटिंग्स है दोस्तों जो आपको गूगल फोटोज के अंदर मिल जाएगा, जिसे अगर आप चेंज कर देते हैं, बंद कर देते हैं कई सेटिंग को चेंज कर देते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों बैटरी, इंटरनेट, हैंग प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम और भी जो काफी सारी दिक्कतें हैं वो फिक्स आउट हो जाएंगी। एक बार ट्राई करके आप खुद देख लीजिए। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।